वर्सेटाइल, शी इज टैलेंटेड, शी इज पूनम रंधावा। आज हम मिल रहे हैं क्षिति सो को। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट हुई है, और वो जो पूनम है, ऑफ कोर्स जो क्षिति जोग है, वो हमारे साथ है। क्षिति, बहुत स्वागत है आपका फ्री प्रेस जर्नल में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नीलिमा, और मैं तुम्हें काफी सालों से जानती हूँ. आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्ली सेकंड थर्ड इंटरव्यू, एंड इट्स सो ग्रेट कि ये रॉकी और रानी की वजह से है. यस ऑफ कोर्स, एंड आई एम ऑल्सो ग्लैड। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस पे तो मतलब ये रफ्तार अभी जोर से शुरू है, 200 करोड़, एंड वो तो अभी ग्लोबल भी हो गया है, एंड आई एम श्योर ये अभी और बढ़ते ही जाने वाला है। बट क्षिति, जस्ट आई नो यू आर अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, बट मतलब ऑफकोर्स यू हैव डन थिएटर, यू हैव डन टेलीविजन, मराठी मूवीज में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, और बाद में आप करण जौहर फिल्म का हिस्सा होती हो, तो ये कितना स्पेशल होता है, एंड ऑफ कोर्स हाउ यू लैंड अप टू करण जौहर मूवी, सो प्लीज टेल अस अबाउट इट। ओ, स्पेशल तो बहुत है, क्योंकि जब मुझे ऑडिशन का फोन आया था कि धर्मा के ऑफिस से, तो मैंने ये सोच के ऑडिशन दिया था कि ये मुझे थोड़ी ना मिलेगा. ओ मतलब ऐसा सिर्फ सपनों में होता है, ऐसा एक्चुअली ऐसा फिल्मों में ही होता है कि फोन आया, ऑडिशन आई, एंड देन यू गिव इट. एंड तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, पर मैंने वो ऑडिशन ये सोच के दे दी थी कि हाँ चलो, एक ऑडिशन तो दे देते, एटलीस्ट इट विल बी विद देम. ओ एंड वो ऑडिशन का फोन आया, और कोविड के दिन थे तो मैंने घर से ऑडिशन भेज दी थी. अच्छा एंड आज ऑडिशन भेजी, कल मुझे शानू मैम का फोन आया, परसों आई वाज मीटिंग करण सर. तो ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे वो सिंकिन ही नहीं हुआ जब तक हम टेबल रीड पे नहीं गए कि मैं एक्चुअली करण जौहर की फिल्म कर रही हूँ, उसमें काम कर रही हूँ. एंड दैट वाज योर फर्स्ट मीटिंग विथ करण जौहर, और यस यस, इट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम, ओ एंड ही जस्ट चेंज माई एंटायर इम्प्रेशन ओनली अबाउट बॉलीवुड ओनली, यू कैन से. ही वो वॉज सो मच ऑन टाइम, ही वॉज सो पोलाइट, ही वॉज सो हम्बल, ही ही वॉज एवरी थिंग आई हैड नॉट इमेजिन. वाज पैम्परिंग आल्सो यू, ऑल ऑफ यू, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑन सेट? ओ एक्सेलेंट. वो इतने ज्यादा अपने एक्टर्स के कंफर्ट के बारे में सोचते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्टर के साथ ऐसा होता है, ऐसा सभी के साथ वो करते हैं. एंड दैट इज हिज ट्राइंग टू मेक यू फील कंफर्टेबल इज सो सो वार्मिंग दैट आपको ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि यू नीड टू परफॉर्म बेटर, बिकॉज सामने वाला आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ से इतना दे रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी रिटर्न में उनको उतने ही स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेस दो. ही वॉज वेरी वेरी गुड ऑन सेट. क्या बात है, और मुझे ऑफकोर्स ये बात भी पूछनी है, मतलब बहुत सारे हम बहुत ऐसी कहानियां सुनते हैं कि मराठी एक्टर्स को बॉलीवुड में एक अलग रिस्पेक्ट है, एक अलग अलग इज्जत मिलती है बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, एंड ऑफकोर्स यू आर वन ऑफ देम, बट ये रीजनल से बॉलीवुड जाना, एंड विथ बॉलीवुड टोटली दिस टाइप ऑफ कमर्शियल फिल्म, आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म का हिस्सा होना, ये कैसा था? मतलब ऐसे कुछ लगा नहीं कि ये कैसा होगा, क्या होगा, एंड हाउ वाज द ट्रीटमेंट ऑन द सेट आल्सो, बिकॉज आई वांट टू नो दैट। No, ये बिल्कुल सही कहा तुमने नीलिमा. एक रीजनल से, स्पेशली मराठी, एंड वी हैड बंगाली एक्टर्स आल्सो, टोटा एंड चूर्णी. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज आप उनको भी पता है कि आपको एक थिएटर का बैकग्राउंड है. मराठी में जो आता है उन्हीं को एक एक थिएटर, दे कम फ्रॉम इंटर कॉलेजिएट टू थिएटर टू देन टीवी देन टू फिल्म्स. ये इन एनी केस 99% मराठी एक्टर्स ऐसे ही आते हैं, सो दैट दे आर अवेयर ऑफ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और ऐसा लगता नहीं है कि वो दे आर ट्रीटिंग अस डिस्क्रिमिनेशन नहीं इक्वल. होता, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब ये होता। मुझे काफी लोगों ने पूछा भी है, बट ये बिल्कुल भी नहीं होता. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन कम्स फ्रॉम योर वर्क. अगर आप ऑनेस्टली काम नहीं करते हो, तो फिर ये बाकी सब लोगों को याद आने लगता है कि अच्छा ये भी है, अच्छा हाँ इसकी वजह से. अभी तो ये थिएटर करती है ना, इसलिए ऐसा परफॉर्म करती है, या टेलीविजन कर रही है इसलिए. इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर वर्क, दैट इज द ओनली थिंग दे लुक एट. काम कैसे कर रहे हो, ये एक ही चीज है जो एटलीस्ट मैंने जो एक्सपीरियंस किया सेट पे, कि एक ही चीज पे आपको जज किया जाता है, हाउ डू यू वर्क, दैट्स ऑल. वाह क्या बात है, इंटरव्यू में बहुत सारी लोगों की गलत फहमियां दूर होंगी, आई एम श्योर, बिकॉज यू आर टेलिंग द ट्रूथ टू अस, एंड द या ऑनेस्ट एक्सपीरियंस व्हाट यू हैड देयर, एंड ऑफ कोर्स
क्षिति योर मतलब ऑफकोर्स यू आर टैलेंटेड, यू आर वर्सेटाइल, बट ये जो यू आर लकी ऑल्सो आई विल से बिकॉज ऑफ वर्किंग विद दिस वेटरन्स, या मतलब धर्मेंद्र जी है, शबाना मैम है, जया बच्चन भी है, तो वो कैसा था वो एक्सपीरियंस? जया बच्चन जी के साथ तो आपके बहुत सारे सीन्स भी थे, तो हाउ वाज मैं इट? बहुत मजा आया, शी इज सो मच फन ऑन सेट, हाँ शी इज सो मच फन। और जितना हमको जया मैम ने खिलाया है अच्छा वो, ओ आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज एक बार हम संडे को शूट कर रहे थे और अगले संडे भी शूट थी, और संडे को शूट कर रहे थे और जल्दी पैकअप हो गया। सो आई सेड नहीं नहीं मुझे घर जल्दी जाना है संडे। एक्चुअली मेरे घर पे रिचुअल होता है, वी हैव मटन एंड थिंग्स इन द आफ्टरनून, मटन भाकरी। तो मैंने बोला हाँ, तो आई सेड आई हैव टू गो होम, इट्स संडे, माई हस्बैंड इज एट होम। तो नेक्स्ट संडे भी वी वर शूटिंग, वो अपने साथ मटन लेके आई थी कि तुम्हारे लिए लेकर आई हूं मैं क्योंकि तुम लोग खाते हो। कोई किसी ने बोला मुझे आलू पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, नेक्स्ट डे शी गॉट एन आलू पराठे, कि तुम्हें अच्छे लगते हैं ना तो मैं सबके लिए ले। आई मीन शी वाज लवली। और एंड एक फ्रेम है टोटली फिल्म अपोजिट टू में द इन लिटिल, कैरेक्टर. यस इज वेरी स्ट्रिक्ट इन बाय नेचर, बट आई थिंक इट्स फॉर द गुड। आई मीन शी इज स्ट्रिक्ट बिकॉज फिर तो हम फैल ही जाते हैं, मतलब हम हाँ तो या गप्पे ही मार बट रहे वो जो होते। सास बहू का रिश्ता था वो ऑफ द सेट अलग था. हाँ, एब्सोल्युटली। ऑल्सो एक फ्रेम है नीलिमा के, शबाना मैम, धर्मेंद्र जी, जया मैम, उनके पीछे मैं बैठी हूँ। मैं उस शॉट में आउट फोकस में हूँ, पर जब मैं उस शॉट के लिए बैठी थी तब मैंने सोचा इस फ्रेम में, इससे फ्रेम में सब है, इस फ्रेम में पूरा हिंदी फ्रेटर्निटी है और इसमें मैं बैठी हूँ। जया मैम, धर्मेंद्र जी, शबाना मैम, बगल में रणवीर, आलिया, कैमरा के पीछे करण जौहर, एंड आई जस्ट थॉट दैट आई हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। व्हाट मोर डज वन नीड टू बी ऑन इन दैट फ्रेम, एंड इवन टू सी दीज पीपल परफॉर्म राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इट वॉज अमेजिंग। मतलब दैट वॉज द डे वेन इट डॉन्ड अपॉन मी कि मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ इन सबके साथ बैठ के। या एंड ऑफ कोर्स मतलब तुम लोगों के पोस्टर्स भी आए थे जिसमें फैमिलीज के भी पोस्टर्स थे. आजकल ये बहुत हाँ रेयर होता है कि पोस्टर पे आना, अगर तुम्हारा सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वो आप पोस्टर पे नहीं हो, ये बहुत ज्यादा करेक्ट मतलब ये एक अलग फाइट होती है ऑफ द करेक्ट। कैमरा. तो हाउ वाज इट फीलिंग दैट यू आर ऑन द धर्मा मूवीज फिल्म पोस्टर? ऑफ कोर्स मतलब दैट वाज आल्सो एड ऑन, अलग फीलिंग होगा वो. हमने फोटो शूट किया था, बट फोटो शूट तो हम हमेशा ही करते हैं, जरूरी नहीं इसका मतलब कि आप एक्चुअली पोस्टर पे आओ। तो व्हेन दैट एक्चुअली हैपेंड, आई हैड नॉट वी वर नॉट एक्सपेक्टेड, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि पोस्टर पे आएंगे। और उसके बाद मेरा फोन बजने से नहीं रुका, मतलब देयर वर फोन्स एंड देयर वर कॉल्स एंड मैसेजेस एंड इट वाज तभी तो अमेजिंग, सब शुरू रियली हुआ. अमेजिंग। नाउ बैक टू द कैरेक्टर इटसेल्फ, पूनम रंधावा जो लगती तो है सीधी साधी टिपिकल बहू, लेकिन फिर जो एक अलग शेड्स उभर के आ रहे हैं, और दैट द परफॉर्मेंस इज ऑफ कोर्स माइंड ब्लोइंग. हाउ वाज इट डीलिंग विद दैट कैरेक्टर? कैसे था? और अपने ये मतलब ऑफ कोर्स इट्स धर्मा मूवीज, ऑफ कोर्स इट्स करण जौहर, बट देन इट्स द कैरेक्टर इटसेल्फ व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरी दैट जस्ट टेल मी अबाउट व्हाट वाज दैट प्रोसेस. और नो द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ओनली व्हेन वी वर रीडिंग, करण सर न्यू द कैरेक्टर टू वेल, ऑब्वियसली बिकॉज इज द डायरेक्टर, ही न्यू ऑल द कैरेक्टर्स। सो द ब्रीफ वाज वेरी गुड कि फर्स्ट जो इनिशियल सीन है ना उसमें आप अनइम्पॉर्टेंट ही लगने चाहिए। आई हैव टू फील कि ये है पीछे, इसकी कोई वो नहीं है, इसकी हाँ ठीक है एक माँ है जो पीछे रहती है, राइट उसका कुछ सह He नहीं. said, हाँ उसका कोई सीन नहीं है इस सब में। एंड व्हेन एंड देन व्हेन द सेकंड हाफ हैपेंस एंड समबडी हुज इन सो मच इन द बैकग्राउंड, यू प्रोबेबली एंड देन शी कम्स इन द फोरफ्रंट, दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से। सो इन ऑल द सीन्स इन द फर्स्ट हाफ इफ यू सी, आई एम कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग बिहाइंड बिहाइंड समबडी, बिकॉज मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे थे। तो मैंने उसमें बहुत टाइम लिया उनका, मैंने कहा सर ऐसे थोड़ी ना करेंगे सर। सो ही सेड यू ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी, दिस इज वॉट आई एम वॉन्टिंग, इतना एक्सप्रेशन करके ये करो, ट्रस्ट मी इट विल वर्क। Yes, the impact was wonderful, and of course, the main scene we have to talk about it. Aaj phir jeene ki tamanna hai. How beautiful it was! Tell us about it, please. That scene we shot for 20, we did 20 takes Nilima, 20 बार हमने वो सीन किया है, Oh God. क्योंकि टेक्निकल ग्लिच था उसमें। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि क्योंकि मैं थिएटर से आई हूँ, मैं टेलीविजन से आई हूँ, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि आपका डायरेक्टर आपको 5 टेक के बाद
आके बोलता है सॉरी सॉरी हमारी गलती हो रही है, सॉरी यू हैव टू डू दिस. बट व्हेन करण सर केम अप टू मी आई वाज लाइक थोड़ा एम्बेरस हो गई थी मैं कि आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, मुझे आदत है इसकी. आई मीन आई हैव कम अप फ्रॉम हियर, इट्स ओके, दिस इज आवर जॉब, इट्स माय जॉब, आई विल डू इट. पांच टेक के बाद वो आए सॉरी कहा उन्होंने, 10 टेक के बाद वो वापस आए, फिर उन्होंने मुझसे कहा तुम बैठना चाहती हो, आर यू टायर्ड, बिकॉज वी आर डूइंग इट, वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग इट, प्लीज बैठ जाओ, आप रेस्ट ले लो, सब रेस्ट लेते 5-10 मिनट, तुम बैठ जाओ. एंड ऑब्वियसली आई कुड नॉट से हाँ बैठते, जया मैम, रणवीर, एवरीबडी वाज देयर एंड दे ऑल केप्ट सेइंग हाँ क्षिति तुम थक गई हो तो हम बैठ जाते. एंड आई एम नॉट यूज्ड टू इट, अ डायरेक्टर कमिंग अप टू एंड सेइंग. फिर 20 टेक हो गए, 21वां टेक ओके हुआ, हम सबने एक दूसरे के लिए तालियां बजाई, क्योंकि हाउस वो ऐसा ऐसे था कि ये सीन कब खत्म होगा, आगे आगे मैं पूरा दिन रोती रहूंगी. बट उसके बाद एक तो करण सर वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी ग्लैड कि उनको जैसे चाहिए था वो सीन वर्कआउट हो गया. एंड ही वॉज सो हैप्पी कि उस दिन मुझे उसके बाद छुट्टी मिली, मुझे बोला गया कि आज तुमने बहुत काम किया है, आज तुम्हारा ऑफ. एंड दो इट वॉज वेरी स्वीट, बट वो सीन डिफिकल्ट था. एंड सी आई वॉन्ट टू सी वन थिंग अबाउट रणवीर ऑल्सो हियर, ही इज सच अ बिग स्टार, ऑफ ही कोर्स इज कभी भी मुझे ऐसा नहीं, और मैंने ये काफी लोगों के साथ देखा है जो एक्चुअली उतने बड़े स्टार्स है भी नहीं, कि हाँ कभी 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 ऐसा होता है कि कोई सीन सामने वाले का होता है, मेरा नहीं होता. तो रणवीर इज दैट काइंड ऑफ अ सिक्योर एक्टर दैट ही ऑलवेज अंडरस्टैंड इट्स हर सीन, आई एम सपोज टू टेक अ बैक सीट, एंड ही डज दैट सो वंडरफुली दैट वाह, यू जस्ट, मतलब कई बार ऐसे हुआ कि रणवीर ने ऐसा करके देखा, He ओके, has nothing to do. वो तो उस सीन में भी नहीं है, वो पीछे खड़ा कुछ नहीं है, but he comes up to you and says things like that. It shows what kind of a secure, what kind of a fantastic human being, and what an amazing co-actor. I have seen one thing about Alia and Ranveer both, which I want to really mention here. यस, वो सिर्फ अपना काम नहीं देखते, वो सीन देखते हैं. हाँ अगर सीन वर्क होता है, अगर सबका काम अच्छा होता है, तो सीन वर्क होगा, हाँ तो मतलब फिल्म वर्क जैसे नहीं होगी. कि They मैं are not... स्टार हूं तो मैं ओवर पावर करूंगा, मैं डोमिनेट करूंगा ही, ये कुछ चीजें नहीं हो रही थी. ओ, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन लाइक 1% ऑफ इट, वाह, नॉट इवन 1%. दे रियली बिलीव इन कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग टुगेदर, आई थिंक विच इज फैंटास्टिक. वाह क्या बात है. ऑफ कोर्स मैं वही पूछने वाली कि रणबीर एंड आलिया ऑफ द कैमरा कैसा था वो गिव एंड टेक, हाउ वाज इट? या ओ एक्सीलेंट. रणवीर और मैं, क्योंकि हम 90s के बच्चे हैं, 90s में वी वर लिस्निंग एंड टू म्यूजिक, ऑफ तो या सो कॉल्ड 80s की मैं कोर्स हूँ फिल्म इज सो ऑब्वियसली. मच म्यूजिकल एंड Yes. तो हमने बहुत सारे 90s में, जब मैं स्कूल के 8th 9th में थी, और जब वो उससे और छोटा होगा, बट द इंडी पॉप बहुत हाँ आया हाँ था, हाँ तो वाह वाह, अलिशा चिन्ना, एंड तो हमने मेड बहुत वो गाने गाए हैं दोनों इन ने मिलके. तो याद इंडिया. करते थे, अरे वो गाना कौन सा है, वो गाना कौन सा है. वी रियली बॉन्डेड वेल, हमने बहुत मस्ती की सेट पे, हमने बहुत बार सर की डांट भी खाई है कि चुप रहो यार, तुम लोग बहुत टाइम पास कर रहे हो यहाँ. बट इट वॉज सच अ लवली, एंड देयर सो लवली को एक्टर्स निलिमा, आई कैन नॉट, बोथ ऑफ देम हैव वेरी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग, एटलीस्ट वेल दैट इज व्हाट आई सॉ. रणवीर एंड आलिया, आलिया इज टू इम्प्रॉम्प्ट, बट शी इज सो गुड. शी उसमें भी है वो कि गाने में मैं सेंटर में खड़ी होती हूँ जो हम गाते हैं, आप जैसा कोई, हाँ तो आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस इज आलिया भट्ट. और हमारे दिमाग में एक होता है ना कि स्टार्स ऐसे बिहेव करते हैं, यू नो दे वॉन्ट टू, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब इधर ये लोग बहुत अच्छे थे, हमारा इम्प्रेशन कम्प्लीटली गलत है, या सिर्फ ये ऐसे है बाकी के नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट इन्होंने मेरी सारी जो इम्प्रेशन थी उसकी धज्जियां उड़ा दी. ऐसा एक भी जो मुझे लगा था बॉलीवुड स्टार्स ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, वो बेचारे अपना काम करते हैं बहुत सिंसियरली. और हमारे हमें क्यूज देने के लिए नीलिमा, बोथ ऑफ देम दे हैव पैक्ड अप, वो दे चेंज देयर क्लोथ्स, और हमें सिर्फ क्यू देना था, उनका कुछ नहीं था, एंड हमारे भी कोई डायलॉग नहीं थे, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन देने थे, बट दे वर देयर. और ऊपर से ओके दोनों ने आके सॉरी बोला कि हमको पता नहीं था आपके एक्सप्रेशन कर रहे हैं, हम चेंज करके आ गए, सो सॉरी वी आर नॉट इन द सेम कॉस्ट्यूम. आई मीन ओ दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन मुझ में नहीं है उतना, तो आई रियली फेल्ट इंस्पायर्ड कि यू नो दिस इज तुम हाउ, पे भी दिस इज है, वॉट तुम आई वॉन्ट बात ही टू मत डू. करो, यू आर द वर्कोहोलिक पर्सन, मोस्ट वर्कोहोलिक पर्सन आई हैव सीन इन मराठी इंडस्ट्री. कभी 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 ऐसे लगा था जब तुम कुछ कुछ होता है देख रही थी, कब तुम कॉलेज में रहोगी, तब तब ऐसा लगा था कि यस आई विल बी अ पार्ट ऑफ करण जौहर मूवी समडे. नहीं, मतलब ऐसे
ऐसे वो ख्याली पुलाव नहीं होते हाँ कि मैं एक्टर एक वाला दिन शाहरुख सपना। खान के साथ हाँ होंगी, मैं एक दिन करण जौहर की फिल्म में, आई शबाना आजमी विल नो माई नेम, ऐसे सब बचपन में लगता था, पर ये भी पता था कि ये सच नहीं होने वाला, मतलब। बट ऐसे होता है ना कि चलो ड्रीम ही कर लो, यू विल फील नाइस अबाउट इट, एटलीस्ट हाँ ड्रीम अबाउट इट, यू नो हाँ कितना आफ्टर या दैट ड्रीम खत्म होता है हम अच्छा खुशी खुशी उठते हैं कि एक दिन आएगा। बट व्हेन दैट एक्चुअली हैपेंड, आई कुड नॉट बिलीव इट नीलिमा, आई जस्ट कुड नॉट बिलीव दैट शबाना मैम कैन बी सो चिल दैट शी इज आस्किंग फॉर पीनट्स, कि तुम्हारे पास थे ना वो, तुम्हारे बॉय को बोलो लेकर। एंड आई वाज लाइक दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्टर आई नो, एंड शी इज एन इंस्टीट्यूट इन हर सेल्फ, शी इज सो बिग। धर्म सर आके अपने टाइम के कुछ किस्से बता रहे हैं या कुछ, इट वाज एक्सीलेंट। आई मीन इट वाज दैट एक्सपीरियंस, आई थिंक ये 1.5 साल हमने शूट किया क्योंकि कोविड की वजह से हम रेगुलरली शूट नहीं कर पाए, ये 1.5 साल मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई रिमेम्बर एवरी सिंगल डे प्रॉपरली इन माई माइंड, आई थिंक इट्स कार्व्ड। वाह। तो तुम्हें कौन सा गाना वो सबसे पसंद आया? व्हाट इज योर दिस फेवरेट सॉन्ग ऑफ रॉकी और रानी? कुड़माई, तेरी कुड़माई के दिन आए, वो बिकॉज जब वो बजा था ना तो हमें ऐसा लगा था हाय ये क्या बज रहा है, इट जस्ट चेंज, इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस। एक्चुअली मुझे सारे गाने अच्छे लगे हैं, बट कुड़माई इज माय, मतलब वो मेरे लूप पे चलता रहता है, सुबह उठती हूँ तो इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, आई थिंक एंड इट्स दैट वेरी वेरी, वेडिंग इज इट्स रिटन सो वेल। ऑल्सो बिग फैट वेडिंग वाला, वो जो सब शूट भी हुआ है। ओ यार लवली वेडिंग, एंड हमने शूट भी वो राजस्थान में किया, बड़ा मजा आया था उस शूट में भी। सो या दैट इज वेरी स्पेशल, दैट सॉन्ग इज रियली स्पेशल। वाह क्या बात है क्षिति, बहुत अच्छा लगा। बस जाते जाते यही पूछूंगी कि अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, मतलब आई एम श्योर कुछ होगा, क्या बताने वाली हूँ, गुलदस्ते से क्या बाहर आने वाला है। मैंने जिम्मा नाम की जो फिल्म प्रोड्यूस की थी उसका सीक्वल बना रहे हैं, तो उसकी शूट खत्म हुई है, तो अब मेरा अगला फोकस वो है जिम्मा 2 विल रिलीज दिस ईयर, एंड यू विल तो आई एम बी जस्ट होपिंग एज एन एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसिंग एंड ओके एक्टिंग। यस यस वही जिम्मा जो तो कोविड में बहुत सुपरहिट हुई थी, राइट? हाँ वही है, दैट वही है। अब इज वो बिना उसका कोविड सीक्वल के भी आ रहा है। चले, ओके उसका सीक्वल आ रहा है, और वो फिर से सो लंदन दैट इज द में ही है, नेक्स्ट थिंग। फिर से वो हाँ लंदन में ही है, लंदन में ही है या अभी वो नहीं बताने वाले वापस? अब वो नहीं बताऊंगी। क्या बात है क्षिति, बहुत अच्छा लगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर दिस सुपर हिट थिंग हैपनिंग, एंड लॉट्स ऑफ विशेस टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। एंड ऑफकोर्स ये बातें जारी रहेंगी आगे भी। थैंक यू सो मच, आई होप सो, थैंक यू नीलिमा, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।